Hello, hello, hello. Very, very good afternoon. Hello, Shubham, Anjali, Sana, Bhavna, Suni. Hello, very good afternoon. Payal, hello. Sameer, very good afternoon. Pujitam Guram, hello, good afternoon. Are you all guys able to hear me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप मेरा वीडियो क्लियर देख पा रहे हो? टेल मी गाइज, इज इट वेरी क्लियर विथ यू गाइज? क्या आपको मेरा वीडियो सुनाई दे रहा है और ऑडियो क्लियर है? यस 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 यस, आज जल्दी से पिंग करो मुझे, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, आर यू एबल टू हियर मी गाइस? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो वीडियो सब क्लियर है, टेक्निकल चेक कर लेते हैं और अगर टेक्निकल चेक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे. लेट अस गो. नो शुभम, देयर आर मेनी टॉपिक्स. मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को होल्ड पे डाला है. मैं एक बार नए टॉपिक. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी लेंदी, इनफैक्ट बहुत सारे बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएगा, तो मैंने आई एम जस्ट पुटिंग ऑन होल्ड एंड वी आर स्टार्टिंग विद द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आर यू एबल टू गेट दिस? क्या आपको समझ आ रहा है? मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. यस गाइस, चलेगा. I will share the notes link very soon. तो बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट को पॉज पे ला रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर फिर से रिज्यूम करेंगे. लेट अस नाउ, लेट अस स्टार्ट विद दिस. आर यू एबल टू गेट दिस? चलो, लेट अस स्टार्ट नाउ. अ वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून. वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स. हम आज लॉ ऑफ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. टॉर्ट होता क्या है, पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे. सी, टॉर्ट का मीनिंग होता है, टॉर्ट का दो मीनिंग है. दैट इज, या टॉर्ट का मीनिंग होता है एनीथिंग रॉन्ग, गलत होना. गलत होना दैट इज अ टॉर्ट. सी, हर रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता है, करेक्ट है. एक होता है दैट इज प्राइवेट रॉन्ग, किसी के साथ गलत होना, प्राइवेट रॉन्ग. और एक होता है पब्लिक रॉन्ग, के सामाजिक गलत होना. किसी का मर्डर हो गया, जिसका मर्डर हुआ उसके साथ तो गलत हो गया, बट समाज में भी गलत हुआ, सोसाइटी पब्लिक लेवल पर गलत हुआ है, दैट इज पब्लिक रॉन्ग. तो प्राइवेट रॉन्ग में अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, देयर आर टू थिंग्स. शो इट वाज बेस्ट, ठीक है ना. प्राइवेट रॉन्ग में दो बातें हैं. एक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आपको मेरी बात मानना, आपको पूरा कस्मे वादे पूरे नहीं निभाए, मैंने गलत किया, दैट इज बेसिकली प्राइवेट रॉन्ग. और मैं अगर बोलना चाहूंगा, नेक्स्ट इज टॉर्ट, नेक्स्ट इज टॉर्ट. और पब्लिक रॉन्ग इज बेसिकली क्राइम, पब्लिक रॉन्ग इज बेसिकली क्राइम. समझो मेरी बात, जो बड़े स्केल पे गलत है दैट इज पब्लिक रॉन्ग, ओके. और जो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट गलत हो रहा है, देखो हर गलत, हर दाग टॉर्ट नहीं होते हैं, हर दाग गलत, यू नो, हर गलत चीज टॉट नहीं होती है. कुछ गलत चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ गलत चीज मैं बोल रहा हूँ क्राइम होता है. डू यू गेट दिस? तो मैं अगर आपको बोलना चाहूंगा सबसे ज्यादा गलत क्या है, सबसे ज्यादा गलत क्या है, व्हाट डू यू थिंक? सबसे ज्यादा देखो, कुछ गलत चीज क्या होती है, कुछ गलत चीज क्राइम होती है और कुछ गलत चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ गलत आपके साथ हुआ वो टॉर्ट होता है। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है वो टॉर्ट होता है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल, मैंने मर्डर किया किसी का, वो क्राइम है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है। वो क्राइम है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है। वो क्राइम है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है। क्राइम है बेटा, बट मैंने आपको कार देने का वादा किया और 6 लाख रुपए लूंगा, मैंने 6 लाख रुपए ले लिया बट अब मैंने आपको कार नहीं दिया। 6 लाख रुपए ले लिया बट मैंने कार नहीं दिया, ये क्या हो गया? वो क्राइम है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है। अगर मैंने आपका मर्डर किया वो क्राइम हो गया, बट अगर बेटा जी मैंने आपको कार देने का प्रॉमिस किया था और अगर मैंने कार नहीं दिया और अब मुझे बता, वो क्राइम है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टॉर्ट है? अगर मैंने कार देने का वादा किया एंड इफ आई एम नॉट गिविंग यू कार, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर मैं आपके घर पर बगैर बोले, विदाउट टेकिंग योर परमिशन, मैं आपके घर में घुस जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, पानी पी के चला जाता हूं, मैंने आपको कोई तकलीफ नहीं दी, मैंने आपको टच भी नहीं किया, मैं आपके घर का दरवाजा खुला था, मैं आकर सोफा में आकर बैठ गया, आप मुझे बताओ ये रॉन्ग है कि नहीं है? रॉन्ग है, बट ये क्राइम है क्या? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं था, तो ये क्या माना जाएगा? ये क्या माना जाएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ये क्या माना जाएगा? एक होता है प्राइवेट रॉन्ग, एक होता है पब्लिक रॉन्ग, और उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, टॉर्ट होता है। एक होता है पब्लिक रॉन्ग, दैट इज क्राइम। मुझे बताओ, मैं आपके घर पर बगैर पूछे बैठ जाता हूं, पानी पी के, क्रिकेट का एक ओवर देख के निकल जाता हूं, मैंने आपके घर से कोई चोरी नहीं की, मैंने आपके घर पे कोई तोड़फोड़ नहीं किया, मैंने आपको हाथ भी नहीं लगाया, मैं चला गया। आप मुझे बताओ, ये रॉन्ग, जो रॉन्ग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो क्राइम नहीं है, दैट रॉन्ग इज टॉर्ट। दैट रॉन्ग इज टॉर्ट। तो टॉर्ट इज अ रॉन्ग, टॉर्ट इज रॉन्ग, tort is wrong, which is not breach of contract and crime। चलो बेटा, पहले चार्ट लिख लो, ये चार्ट लिख लो। ये चार्ट लिखो पहले। तो रॉन्ग मतलब या तो पब्लिक रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग। अब मेरी बात मानो, पब्लिक रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग करेक्ट है, जिसमें प्राइवेट रॉन्ग में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और टॉर्ट है, एंड पब्लिक रॉन्ग में क्राइम माना जाएगा। वेरी वेरी क्लियर। हैव यू रिटन डाउन दिस? क्या आप लोगों ने लिख लिया है बेटा जी? Have you written down this? यस शीतल, वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी। कोई बात नहीं, आप जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, नया टॉपिक स्टार्ट किया हमने। हम पढ़ रहे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से, ओके, लिख लिया है कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी जल्दी। टॉर्ट मींस रॉन्ग, कुछ चीज गलत, प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग मतलब क्राइम, जो पब्लिकली गलत चीज है। प्राइवेट रॉन्ग मींस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट, जो चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है वो होता है बेटा जी टॉर्ट। आर यू एबल टू गेट दिस? करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब ये देखो, सिंपल बात है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, ये देखो टॉर्ट और क्राइम में फर्क क्या है, टॉर्ट और क्राइम में क्या फर्क है, क्लियर कट है। What is the difference between tort and crime? मुझे बताओ, tort प्राइवेट राइट्स इंपैक्ट कर रहा है कि पब्लिक राइट्स को इंपैक्ट कर रहा है? प्राइवेट राइट्स या पब्लिक राइट्स को इंपैक्ट हो रहा है? टेल मी। टॉर्ट में इंफ्रिजमेंट, आप किसी के इंफ्रिजमेंट, या आप एक वर्ड यूज कर लो, इंपैक्टिंग, व्हाट इंपैक्टिंग, इंफ्रिजमेंट या ब्रीच वर्ड यूज कर लेते हैं, आपको और ध्यान से आएगा। ब्रीच ऑफ प्राइवेट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आज मेरा हक है मेरी प्राइवेसी, आज मेरा हक है आप मुझे टच भी नहीं कर सकते, आप मेरे घर पे एंटर नहीं हो सकते, ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते हो, ये मेरा प्राइवेट राइट्स है। आप इन राइट से उल्लंघन नहीं कर सकते हो। आप मेरे घर में घुस गए, आपने बगैर पूछे घुस गए, आपने कोई तकलीफ नहीं दी, यू हैव नॉट ट्रबल मी एनीथिंग, बट आपने मेरे प्राइवेट राइट को इंपैक्ट किया कि नहीं किया? ब्रीच ऑफ प्राइवेट राइट। आज प्राइवेसी नाम की मेरी चीज है, आप मेरे घर में कैसे क्या घुस सकते हो? दैट इज नॉट योर राइट, वेरी क्लियर। तो ये आपने मेरे प्राइवेट राइट को इंपैक्ट किया कि नहीं किया। बट क्राइम इज ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट, ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट, ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट, वेरी वेरी क्लियर। और यहां पर ये देखो, मेरी एक बात मानो, ठीक है ना बात। यहां पर मुझे बताओ, यहां पर जो भी डैमेज है वो डैमेज इसलिए दिया जाता है कि सामने वाले का लॉस कंपेंसेट हो। डैमेज इज ग्रांटेड टू कंपेंसेट द लॉस। बट यहां पर क्राइम में आपको जो डैमेज देना है वो कंपेंसेशन के लिए नहीं है, वो आपको पनिश करने के लिए, कंपेंसेट द लॉस। और ये जो क्राइम है, यहां पर जो भी डैमेज या पनिशमेंट है, इस डैमेज इज गिवन टू पनिश दी अदर पार्टी, पनिश दी अदर पार्टी। डू यू गेट दिस? मुझे बताओ, टॉर्ट में आपने प्राइवेट राइट का उल्लंघन किया, बट क्राइम में आपने पब्लिक राइट का उल्लंघन किया। टॉर्ट में आपके ऊपर जो डैमेज लिया जाएगा वो इसलिए लिया जाएगा टू कंपेंसेट द अदर पार्टी, बट क्राइम में डैमेज इसलिए लिया जाएगा एज अ पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट। वेरी वेरी क्लियर। लिखो 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 लिखो। ये देखो, मैं आपको ये बेस्ट इस तरीके से यहां से दिखाता हूं। ये वो लिखा है, डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। लिखो ये, इज इट डन गाइज? आपने लिख लिया है क्या? जल्दी 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 जल्दी, आपको मैंने अच्छा खासा टाइम दिया लिखने के लिए। सेम लॉजिक से मुझे बताओ, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? बताइए बताइए, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? व्हाट इज माय क्वेश्चन? व्हाट इज माय क्वेश्चन टू यू? एनी आइडिया कमेंट बॉक्स में आप डालना चाहते हो क्या? टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? एनी आइडिया? यहां पे एक तरफ टॉर्ट, दूसरी तरफ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ है टॉर्ट और दूसरी तरफ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बोलो बोलो, बोलो टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? टॉर्ट जो होता है, टॉर्ट में ड्यूटीज लॉ फिक्स करता है कि तुम किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो, तुम किसी की प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते हो, तुम किसी को टच नहीं कर सकते हो, राइट? ये सब ड्यूटीज लॉ ने फिक्स किया है। बट कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज कौन फिक्स करता है? पार्टीज खुद फिक्स करता है। तो यहां पे लिखेंगे आप, ड्यूटीज आर fixed by law। और यहां पे breach of contract पे duties are fixed, by parties, बराबर है। और tort में damages कौन डिसाइड करता है? कोर्ट। और contract के damages ज्यादातर contract में ही लिखा होता है कि अगर तुमने टाइम पर कार नहीं दिया तो तुम्हें 50,000 रुपीज पेनल्टी देनी है। तो टॉर्ट का जो डैमेज है, डैमेज इज डिसाइडेड बाय कोर्ट। डैमेज इज डिसाइडेड बाय कोर्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज इज डिसाइडेड बाय पार्टीज। वही चीज यहां पर है, देखो यहाँ पर लिखो, ये लिखो लिखो लिखो। टॉर्ट और क्राइम हो गया, आप टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, जब कोर्ट डिसाइड करता है उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, तो टॉर्ट में जो राइट्स है जो भी है वो ड्यूटी किसने फिक्स की है? लॉ ने। लॉ बोलता है आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हो। टॉर्ट में जो भी हो ये सब चीजें लॉ, और कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज कौन फिक्स करता है? पार्टीज खुद फिक्स करते हैं। क्लियर कट बात है। ओके, एंड सेम वेयर टॉर्ट में अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो डैमेजेस जो है वो कौन क्लेम करेगा? डैमेजेस कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेड डैमेज। और जब पहले से ही डैमेज फिक्स है उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। साक्षी थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी होली। यस संदीप, होली चलता है भाई, 4-5-10 दिन चलता है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ है क्या? एनी क्वेरी? मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने आपको टॉर्ट का मीनिंग समझाया, मैंने आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया, और मैंने आपको क्राइम समझाया। एनी क्वेरियर? इन तीन इसमें कोई क्वेरी है? टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम। टॉर्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम। यस विजयलक्ष्मी करेक्ट। टॉर्ट, ब्रीच ऑफ, टॉर्ट इज अ रॉन्ग, कुछ चीज गलत होना। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। टॉर्ट मीन्स रॉन्ग, कुछ चीज गलत होना, दैट इज टॉर्ट। हर चीज, हर दाग टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट रॉन्ग, इंडिविजुअल रॉन्ग, किसी के साथ गलत होना, और एक होता है पब्लिक रॉन्ग, समाज के साथ गलत होना, ठीक है ना बात। पब्लिक रॉन्ग को हम क्राइम बोलते हैं, और कुछ रॉन्ग आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वादे किए थे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ रॉन्ग जो होते हैं वो होता है टॉर्ट। एग्जाम्पल है, आप मेरे घर पर विदाउट परमिशन आकर बैठ गए, आपने बिल्कुल भी कोई तोड़फोड़ नहीं की, आपने कोई गाली गलौज नहीं किया, आपने कोई नुकसान नहीं किया, और आप चले गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप मेरे घर पर बगैर पूछे आकर बैठ गए, इज इट अलाउड और इट इज अ रॉन्ग थिंग? इज इट अलाउड और इट इज अ रॉन्ग थिंग? कुछ चीज सही है या गलत चीज है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा लड़ाई हो जाए, डिपेंड करता है, मारपीट कर दिया तो क्राइम भी आ सकता है, टॉर्ट भी आ सकता है। कुछ चीजें दोनों में भी आती है, क्राइम में भी कवर करते, कुछ चीजें टॉर्ट में भी कवर करते हैं। बेटा आप मेरे घर पर बगैर पूछे मेरे घर पर आकर बैठ गए विदाउट माय परमिशन, इज इट अलाउड और इट इज इट अ रॉन्ग थिंग? टेल मी गाइस। It is a wrong thing. It is a wrong thing. Very, very clear. इट इज अ रॉन्ग थिंग। आप मुझे बताओ, वो आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, आपने क्राइम भी नहीं किया, तो आपने क्या किया बेटा जी? टॉर्ट किया। इट इज अ टॉर्ट। वेरी क्लियर। तो टॉर्ट का अब हम थोड़ा सा बेसिक्स पर आते हैं। टॉर्ट के बारे में क्या लिखा है ये देखो। टॉर्ट इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम, इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है ना बात। तो टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें इंग्लिश वर्ड है रॉन्ग, और टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम, करेक्ट है बात। तो ये देखो सिंपल बात है, ये आप लिखोगे टॉर्ट इज इक्वल टू रॉन्ग इज इक्वल टू टॉर्टम। टॉर्ट इज विच वर्ड? टॉर्ट इज फ्रेंच वर्ड, The wrong word is English word. Wrong मतलब कुछ गलत होना is English, and totem यहाँ पे देखो clear cut लिखा है, totem is Latin word. सब एक ही meaning है, सबका meaning एक ही है। Tort is a French word, wrong is English word, and totem that is Latin word. लिखो ये। Mayank, I will be sharing soon, but tomorrow I'll share the link of notes. Don't worry. चलो आगे बढ़ेंगे. तो ये देखो, ये आपने लिखा टॉर्ट इज अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग. टॉर्ट इज अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एंड रॉन्ग में भी इधर पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग. पब्लिक रॉन्ग मीन्स वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉज एंड हेंस अगेंस्ट द स्टेट, and private wrong is against the individual. Okay, public wrongs or crimes are those wrongs which are punishable under the penal law belonging to public law group. ठीक है ना भाई. तो ultimately यहाँ देखो tort means civil wrong which is not breach of contract and breach of trust. Very very clear. Tort is कौन सा wrong? हाँ, तो संदीप टॉट वर्ड आया है फ्रेंच से, फ्रेंच से, और टॉटम वर्ड आया है लैटिन से. तो टॉट वर्ड तो फ्रेंच से आया ना बेटा संदीप. अब ये देखो डेफिनेशन ऑफ टॉट. डेफिनेशन ऑफ टॉट या डेफिनेशन में देखो इट मीन्स सिविल रॉन्ग. इट मीन्स सिविल रॉन्ग विच डज नॉट इंक्लूड सिविल रॉन्ग विच डज नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वो क्या होता है, एक तरह से टॉट होता है. देखो everyone has written down definition of tort means civil wrong but does not include the breach of contract and breach of trust. breach of contract, breach of trust include नहीं होता है. समझ आया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ देखो तो ये एक तरीके से tort का बेसिक है. आप tort के कुछ एलिमेंट्स हैं. tort होने के लिए तीन एलिमेंट है, किसी के साथ गलत होना और बेसिकली उसके ऊपर लीगल, उसके लीगल राइट्स के साथ गलत होना और उसको लीगल रेमेडी होना चाहिए. तीन एलिमेंट्स है. ये तीन एलिमेंट्स हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तो आई एम राइटिंग डाउन एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स. टॉर्ट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक टॉर्ट होने के लिए? एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट. फर्स्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट होना, उसके बाद में रॉन्गफुल एक्ट के बाद उस पार्टी के साथ लीगल डैमेज आप क्लेम कर रहे हो, मतलब लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है आपका. हर गलत चीज लीगल राइट नहीं देती आपको, करेक्ट है. और एक लीगल रेमेडी होना. सर ये एक एक हम बात करेंगे. रेमेडी होना पहले आप लिखो. ये एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट में तीन एलिमेंट है. मैं एक एक एलिमेंट को डिटेल में पढ़ाऊंगा बट पहले आप इसको नोट डाउन करोगे. There must be a wrongful act, there must be a legal damage and a legal remedy. Very clear. Write down this. अरे लिखा क्या बेटा? इज इट डन गाइस? क्या आप लोगों ने लिख लिया है? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हर किसी का एक लीगल राइट है। मैं रॉन्गफुल एक्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। हर किसी का एक लीगल राइट होता है। सर कौन सा लीगल राइट होता है? अरे आपके ऐसे 3 राइट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीगल राइट में पहला राइट है, सिंपल है कि आपका ये पहला राइट है राइट ऑफ रेप्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको? यस, वेरी ट्रू। वॉच की आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया, करेक्ट है रघुवीर, करेक्ट है। पहला राइटर राइट टू रेप्यूटेशन, किसी की बदनामी करना चलेगा, डिफेम करना। आपको पता है हर किसी, आप किसी का नाम अननेसेसरी बदनाम नहीं कर सकते, यह राइट आपके पास है ही नहीं। हर किसी का है राइट टू रेप्यूटेशन। उसके बाद है सेकेंड राइट, अगर राइट टू बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, राइट टू बॉडीली सेफ्टी। किसी को आप टच नहीं कर सकते बगैर पूछे, सिर्फ नॉर्मल भी टच नहीं कर सकते हो, बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम। एंड थर्ड राइट जो है दैट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आप किसी की प्रॉपर्टी पर बगैर पूछे एंटर नहीं कर सकते। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू रेप्यूटेशन में अगर मैं बोल रहा हूं आपने किसी का डिफॉर्मेशन किया, अननेसेसरी किसी की बदनामी की, चलेगा कि नहीं चलेगा? सोशल मीडिया में एक आधे के बारे में गलत लिख दिया, उसकी बदनामी की आपने, पेपर में एक आधे के बारे में गलत आर्टिकल छपवा दिया जिससे उसकी बदनामी हो रही है। तो टेल मी वन थिंग, राइट टू रेप्यूटेशन उसका हक है। अगर आपने किसी को डिफेम किया तो मुझे बताओ आपने किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट किया या नहीं किया? बेस्ट एग्जाम्पल जैसे मोदी जी के ऊपर चौकीदार चोर है, चोर का डिफॉर्मेशन। अब मोदी जी को चोर बोल दिया राहुल गांधी ने, तो मीनाक्षी लेखी जो है उन्होंने राहुल गांधी पर डिफॉर्मेशन केस ठोका। देखो मैं दिखाता हूं, मीनाक्षी लेखी ऑन राहुल गांधी। मुझे बेटर डील मिलेगी। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी जी को बोला कि राफेल डील में उन्होंने गलत किया है। समझो मेरी बात, ठीक है ना बात? BJP lawmaker Meenakshi Lekhi has requested the Supreme Court for a criminal contempt action against Congress President Rahul Gandhi over his comments welcoming the top court's order in the Rafale case earlier this week. The order was seen as a setback. Rahul Gandhi Rafale deal remark defamatory to the government, and the BJP spokesperson accused Mr. Gandhi of contempt, and she said he attributed the statement "Chaukidar Chor hai" to the Supreme Court as saying in its order. उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चौकीदार को चोर बोला है, मतलब। And trying to create prejudice, former Attorney General Mukul Rohatgi, who represented Meenakshi Lekhi in the court today, said that the Congress president made a remark that the Supreme Court has said चौकीदार चोर है। एक परिवार जिसमें 4 एडल्ट में से 3 जमानत पर है, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, वो सब चीजें तो खैर छोड़िए, वो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं भी डील कर लेंगे। मगर जो विषय बड़ा है, वो बड़ा विषय ये है कि ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ने नहीं आते, वो क्या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? समझो। तो अब मेरी बात मानो, कैन यू डिफेम एनीवन? कैन यू किसी की बदनामी करना या किसी को आपने टच किया या मारने की धमकी दी, उसको हम बोलते हैं, मतलब मारने की बात की है, ओके। तो या देखो उसको बोलते हैं असॉल्ट। असॉल्ट करना, असॉल्ट करना मतलब किसी को हाथ दिखाना, डराना और सही में मारना, टच करना, दैट इज बैटरी। अलाउड नहीं, आप किसी को टच नहीं कर सकते, उनका राइट है। बॉडीली सेफ्टी फ्रीडम उनका हक है, आप उनको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो। एंड किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना, जैसे किसी का आम का बगीचा है, आप दीवार छलांग लगाकर आम तोड़ के बहुत सारे आम जमा करके भाग कर लेकर आए, अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड और नॉट अलाउड? टेल मी गाइस। उसको बोलते हैं ट्रेस पासिंग, किसी की प्रॉपर्टी पर ट्रेस पासिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग करना, ओके, किसी की प्रॉपर्टी पर घुसना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस पासिंग। तो यहां देखो जो लीगल राइट्स है, अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी का राइट ऑफ रेप्यूटेशन है, आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो अननेसेसरी, या किसी को टच करना या उसको मारने की बात करना। बॉडीली सेफ्टी फ्रीडम हर किसी का राइट है, और राइट टू प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में बगैर पूछे नहीं घुस सकते हो। अगर आप ये सब कर रहे हो, ये आप किसी के राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना बात? तो ये देखो रॉन्गफुल एक्ट में आता है राइट ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब आता है। वेरी वेरी क्लियर, प्लीज नोट डाउन करो इसको। लिख लिया है क्या? राइट टू रेप्यूटेशन है, राइट टू बॉडीली सेफ्टी फ्रीडम है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी की रेप्यूटेशन को अननेसेसरी खराब करोगे, डिफेम करोगे, नो मयंक, नॉट येट, लिख लिया क्या आपने? हैव यू डन दिस गाइस? क्या आपका लिख कर हो गया है? बैटरी मतलब फिजिकली टचिंग एनी वन इज बैटरी, एंड ट्राइंग टू शो दैट यू विल टच, दैट इज असॉल्ट। बैटरी मतलब किसी को बॉडीली टच करना, और असॉल्ट मतलब एक्शन करना कि आप टच करो, डरा रहे हो, चक्कू लेके बता रहे हो, मारने की बात कर रहे हो, दैट इज असॉल्ट। चलेगा गाइस? तो हम इसको डिस्कशन को फिर कल के लेक्चर में आगे ले जाएंगे। आज हमने टॉर्ट का मीनिंग देखा, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट को हमने कंपेयर किया, टॉर्ट और क्राइम को हमने कंपेयर किया, हमने टॉर्ट के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट देखा रॉन्गफुल एक्ट, और टॉर्ट का बेसिक बैकग्राउंड देखा। करेक्ट है बात? टॉर्ट का बेसिक बैकग्राउंड देखा कि क्या है। टॉर्ट इज अ फ्रेंच वर्ड एंड इंग्लिश वर्ड है रॉन्ग, एंड लैटिन वर्ड है टॉर्टम। एनी क्वेरीज? let me know this and we'll stop for the day. Thanks a lot guys. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Mata Di. Thank you. Bye bye. Any query? चलेगा. We'll stop for the day. Bye bye.